To begin the proceedings, may I invite the Prime Minister of India to deliver his statement to the press. Your Excellency, our mere mitra, Rashtrapati Mirzi Yoyev, Uzbekistan se aaye sammaniya atithi aur mitragan, Bharatiya Shishtamandal ke sabhi sadasya, नमस्कार. राष्ट्रपति जी, यह आपकी भारत की पहली स्टेट विजिट है. मुझे बेहद खुशी है कि यह यात्रा आप अपने परिवार और एक सशस्त्र डेलीगेशन के साथ कर रहे हैं. आपका और आपके परिवार का तथा डेलीगेशन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है. उज्बेकिस्तान और भारत के बीच समानताएं और नजदीकी रिश्तों के गवाह हमारे साझा इतिहास और संस्कृति है. मेहमान, दोस्त और अजीज, ऐसे कितने ही शब्द दोनों देशों में समान रूप से जाने जाते हैं. यह सिर्फ भाषा की समानता नहीं, यह दिलों और भावनाओं का मिलन है. मुझे गर्व है और प्रसन्नता कि हमारे देशों के रिश्तों की बुनियाद इतनी मजबूत नींव पर बनी है. राष्ट्रपति जी, आपसे मेरा परिचय 2015 में मेरी उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान हुआ था. आपकी भारत के प्रति सद्भावना और मित्रता ने और आपके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया है. यह हमारी चौथी मुलाकात है. मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप एक घनिष्ठ मित्र हैं, अजीज दोस्त हैं. मुझे और भी अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि आपके साथ एक सशक्त डेलीगेशन आपके साथ है. आपके आदेश और मार्गदर्शन और पिछले कुछ दिनों में भारत में उनकी उपयोगी मुलाकातें हुई है. आज हमारे बीच बहुत ही सार्थक चर्चा हुई. भारत और उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा बनाने और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के हमारे विजन और प्लान्स को हमने साझा किया है. हमारे पुराने दोस्ताना रिश्तों को आज के संदर्भ में और भी समृद्ध करने के लिए हमने लॉन्ग टर्म व्यू लिया है. क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे जिनसे हमारी सुरक्षा, शांति, समृद्धि और सहयोग जुड़े हैं, उन पर भी सार्थक विचार विमर्श हुआ है. इन मुद्दों पर और शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने हमारे सहयोग को और गहरा बनाने का निर्णय लिया है. आज की मुलाकात में हम इस बात पर पूरी तरह सहमत हुए हैं कि अब हमारे देशों के बीच के प्राचीन और प्रगाढ़ संबंधों को हमारे लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विस्तार देने का समय आ गया है. एक्सलेंसी, आपके कई साहसी और ठोस कदमों और सुधारों ने उज्बेकिस्तान पूरी व्यवस्था को पीछे छोड़कर आधुनिकता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह आपके नेतृत्व और विजन का परिणाम है. मैं इसका स्वागत करता हूं. आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे और भी सफलता के लिए मेरी तरफ से
सवासौ करोड़ भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं भी देता हूं। एक्सलेंसी, अफगानिस्तान की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत उन प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे मौजूदा सहयोग को नए क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए हमने आज खास तौर पर चर्चा की। हम व्यापार और निवेश के रिश्तों को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमने 2020 तक $1 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का टारगेट रखा है। हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन शुरू करने का भी निर्णय लिया है। उज्बेकिस्तान के प्रस्ताव पर हमने उज्बेकिस्तान के सामाजिक क्षेत्रों में कम लागत के घरों और ऐसे और भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा $800 मिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट तथा एक्जिम बैंक द्वारा बायस क्रेडिट के अंतर्गत भी हम उज्बेकिस्तान के प्रस्तावों का स्वागत करेंगे। अंतरिक्ष, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में उज्बेकिस्तान के हित के लिए भारत के अनुभव से लाभ उठाने का प्रस्ताव हमने रखा है। भारत और उज्बेकिस्तान के राज्यों के बीच बढ़ते सहयोग का हम स्वागत करते हैं। आज आगरा और समरकंद के बीच ट्विनिंग एग्रीमेंट और गुजरात और उज्बेकिस्तान के अंदिजन के बीच समझौते हुए हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के रास्तों पर हमने विचार किया है। व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए चाबहार के एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत अस्गाबाद एग्रीमेंट का फरवरी 2018 में सदस्य बना है। इसमें समर्थन के लिए हम उज्बेकिस्तान के आभारी हैं। हमें खुशी है कि उज्बेकिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल होने पर सहमत हुआ है। एक्सलेंसी, आपके वरिष्ठ सलाहकार और मंत्री कल गांधी सैनिटेशन कन्वेंशन के समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं। महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश के प्रति आपके मन में जो सम्मान है उसने भारतीय के हृदय को छू लिया है। ताशकंद से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति जुड़ी है। शास्त्री जी के स्मारक और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के रिनोवेशन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इन दोनों महान नेताओं की जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर आपकी भारत में मौजूदगी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। एक्सलेंसी, यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारे रक्षा संबंधों में वृद्धि हो रही है। आज की मुलाकात के दौरान हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास और सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण समेत अन्य आवश्यक क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। राष्ट्रपति जी, आपसे विचार विमर्श ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भारत और उज्बेकिस्तान एक सुरक्षित और समृद्ध एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहते हैं। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए उज्बेकिस्तान के प्रयासों की हम सराहना करते हैं। इसमें भारत उज्बेकिस्तान के साथ हर संभव सहयोग करेगा। स्थिर, लोकतांत्रिक और समावेशी एवं समृद्ध अफगानिस्तान हमारे पूरे क्षेत्र के हित में है। मुझे खुशी है कि इस संदर्भ में हमारे दोनों देशों के बीच नियमित रूप से संपर्क बनाए रखने का निर्णय हमने लिया है। सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हमारे संबंधों के आधार स्तंभ है।
ई वीजा, पर्यटन, एकेडमिक एक्सचेंजेस और एयर कनेक्टिविटी इत्यादि विषयों पर आज हमने चर्चा की है। एक्सलेंसी, अब हम एक नए दौर की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयां छुएंगे और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे। एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करते हुए मैं भारत में आपके सुखद और फलदायी प्रवास की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पाशिबा। May I now invite the president.